आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने कई इस सदन के मेंबर्स को इस महत्वपूर्ण बिल में उन्होंने जो नोटिस दिया उसको एडमिट करके बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस क्यों स्टैंड नहीं करते हैं और जो भी पॉइंट्स उन्होंने यहां ऑब्जेक्शन के तौर पर रेज किया यहां उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। उसके बाद जितने भी इश्यूज आज यहां उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमति से विस्तार से एक एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूंगा। और मैं ये मानता हूं, विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहां बातें बताया गया है सब चीज को मैं दूर करूंगा। और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहां उठाया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन का बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है, इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है इस सदन में ये बिल पेश करने का। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे मैंने कहा है, सबका पॉइंट्स को मैंने नोट भी किया, बहुत अच्छी तरह से सबका कंसर्न को भी हमने नोट किया है। मैं बारी बारी से कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो सर, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है 1954 में, सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए सर, काफी अमेंडमेंट होने के बाद, मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा,
उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है। सर 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो भी प्रावधान लाया गया था उसको कई लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका असेसमेंट किया, उसको देखा है कि वाकई 1995 का वक्त अमेंडमेंट बिल क्या ठीक है, काफी है, जिस पर्पस के लाया गया वो सर्व कर रहे हैं। कई कमिटियां, कई लोगों ने इसका पूरा एनालिसिस किया है सर, मैं उसका आपके सामने में अभी रखूंगा, लेकिन ये पाया गया है कि 1995 का वक्त अमेंडमेंट एक्ट ये बिल्कुल असक्षम रहा है और जिस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहे थे और कई गलतियां, कई खामियां इसमें पाया गया है, उसके लिए कुछ कदम उठाया गया है। मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, ये एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है, इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। सर सबसे पहले मैं सर जो खामियां ये 2014 से लेकर के आज तक ये 1995 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, हमसे पहले कांग्रेस के जमाने में भी कई या इस मुद्दे को लेकर के कमिटियां और अलग अलग जगह में इसका विवरण किया गया है। सबसे पहले सर 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट पेश किया गया था और 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में जो बड़ा रिकमेंडेशन आया मैं आपके सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है सारा वक्फ बोर्ड जो है मुतवालीस के कब्जे में चले गए हैं, उसको डिसिप्लिन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाया जाना चाहिए। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट का दूसरा रिकमेंडेशन है लिटिगेशन और केसेस जो आपस में मतभेद इतना ज्यादा है उसको सरल करने के लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को गठन होना चाहिए, उस समय का रिकमेंडेशन था। फिर उसने तीसरे पॉइंट ये कहा कि ऑडिट और अकाउंट्स, वक्फ बोर्ड में ऑडिट और अकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं है, उसका पूरा प्रबंधन होना चाहिए, ये उस समय का रिपोर्ट ने कहा गया है। और आखिरी में इट रिकमेंडेड द रिफॉर्म्स इन द कैटेगरी ऑफ वक्फ अल अलल औलाद, बच्चों के लिए जो हम वक्फ देते हैं उसको सुधार लाना चाहिए, ये 1976 का रिपोर्ट में कहा गया है। उसके बाद सर जो हम आज थोड़ा विस्तार में जिसको मैं बताना चाहता हूं, दो कमेटियों के बारे में, ये दो कमेटी
कांग्रेस के समय में ही बनाया गया था। सबसे पहले हाई लेवल कमिटी अंडर जस्टिस राजेंद्र सचर, ये सर 9 मार्च 2005 में गठन किया गया था, यूपीए का सरकार आ चुके थे, और ये स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये गठन हुआ। और सचर कमेटी का जो रिपोर्ट है ये हम सब मालूम है, मैं सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन आज इस सदन में बताना चाहता हूं। सचर कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन है, इसमें कहा गया है एनुअल इनकम जितना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज है, 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी जनरेट होता है। ये किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, और इसको एफिशिएंट तरीके से, मार्केट तरीके से, जिस तरीके से मैनेज होना चाहिए सारा वक्फ प्रॉपर्टी को, अगर सही माने में उस समय उन्होंने कहा सचर कमेटी ने, तो उस समय 12,000 करोड़ रुपया पर एनम मिलता है, और उस समय जनरेट हो रहा था 162 करोड़। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि वो कमेटी का रिपोर्ट है, और मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री होने के नाते जो हम लोगों ने स्टडी किया है, टोटल 8,72,320 वक्फ प्रॉपर्टीज, हमारा जो वामसी जो पोर्टल है उससे पूरा डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू सचर कमेटी ने जो कहा है उससे कई गुना अधिक होने का संभावना है। ये एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात है, सबको मालूम है वक्फ के पास कितना प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के पास, और कितना आमदनी है। दूसरा सर, सचर कमेटी का रिकमेंडेशन, सचर कमेटी ने, आप यूपीए का समय में ही आपने कमेटी का रिपोर्ट एक्सेप्ट किया, उसमें कहा गया कि अभी जो मौजूदा वक्फ बोर्ड है उसको ब्रॉड बेस किया जाना चाहिए, जो लोग मेंबर होते हैं, जो लोग इस कमेटी में, जिस वक्फ बोर्ड में है उससे काफी नहीं है, इसलिए इसका ब्रॉड बेस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। यह सचर कमेटी का रिपोर्ट का पहला नंबर पॉइंट। इसमें सर दो महिला सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में होना चाहिए, यह भी सचर कमेटी का ही रिकमेंडेशन है। सेक्रेटरी जो होते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस स्तर का ऑफिसर होना चाहिए, उसमें अंडर सेक्रेटरी का जूनियर ऑफिसर लेवल जो बनाया है उसको आप रैंक को ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक उसको उठाना चाहिए, ये उसी कमेटी का रिपोर्ट में आया है। और जो स्टेट में वक्फ बोर्ड है उसमें क्लास वन ऑफिसर होना चाहिए। सचर कमेटी ने सीधा सीधा ये कहा है कि प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों को दिया जाना चाहिए। हम आज का जो बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं ये उसी सचर कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार सेम पर्सन हम यहाँ आपके सामने में लाया जा रहा है, और आपको तो खुश होना चाहिए, ये कमेटी आपने बनाया सर। सर ये सर हमने शांति से इनके बात सुना, अध्यक्ष महोदय जी ये सीनियर मेंबर है, इस तरह से बीच बीच में उठ के बोलना ठीक बात नहीं है, आपको तो नियम मालूम है सर। दूसरा कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जिसका अध्यक्षता के रहमान खान जी, तो उस समय कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी मंत्री रहा है, उनके डिप्टी स्पीकर भी रहा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में रहा है, और उन्हीं के अध्यक्षता में पूरा पार्टी के सदस्य, हमारा भारतीय जनता पार्टी से भी मेंबर थे उस जेपीसी में सर सीधा सीधा वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं है, वहां मैन पावर टोटली इनसफिशिएंट है,
इनकम्पिटेंट है और फंड इतना कम है, सही मैनेज नहीं किया गया है, इस तरीके से वक्फ बोर्ड नहीं चल सकता है। दूसरा, मुतवालीज के बारे में कहा है कि लगता है सारा वक्फ बोर्ड का ध्यान किसको मुतवाली बनाना है और उसको कैसे हटाना है इसी में केंद्रित है, इसलिए इसका प्रावधान को हटाना चाहिए। फिर कहा गया है डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जितने भी है उसको प्रॉपर से मेंटेन करने का भी प्रावधान वक्फ बोर्ड में नहीं है, उसको किया जाना चाहिए। और वक्फ बोर्ड मौजूदा जितना है देश भर में उसको फिर से सर्वे होना चाहिए, और गरीब मुसलमानों के लिए और वक्फ बोर्ड का अपना अंदर में सही चीज का, चाहे वो लीगल मैटर हो और कोई भी चीज हो, उसका एक्सपर्ट्स लॉयर्स वहां उनका एक्सपर्ट लोगों का और भी लोगों को अंदर लाने का जरूरत है ताकि वो ज्यादा चुरुस्त दुरुस्त हो सके। जो पार्लियामेंट्री कमेटी का और सजेशन है, टोटल वक्फ बोर्ड को कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए, डेटाबेस को सेंट्रलाइज करना चाहिए और म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में होना चाहिए जितना भी वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। ये सचर कमेटी ने और ये सॉरी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया। और सर आप सबको भी एक बार वो कमेटी का रिपोर्ट मैं आपके आपको ही दे देता हूं ताकि आप भी पढ़े फिर से। और सर टोटल जो 1995 वक्फ एक्ट को फिर से मजबूती से रीलुक करना चाहिए, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ही रिपोर्ट है। और एक आपने अपॉइंट किया, अब देखिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर, आपको मैं मेंबर का नाम भी दे देता हूं, चेयरमैन का तो नाम मैंने बता दिया, आपका वरिष्ठ नेता थे, आपने अपॉइंट किया, ये सारा रिकमेंडेशन आज आप तो हमको शाबाशी देना चाहिए, जो आप नहीं कर पाया वो हम ला रहे हैं सदन में, सारा का सारे प्रॉब्लम्स, सारा का सारा सजेशन ये उस समय सबको मालूम कर चुके हैं। इसलिए सर राहुल जी कन्विंस हो गए, ये मन ही मन में सब कन्विंस है, ये राजनीतिक दबाव में अपोज कर रहे हैं, अंदर अंदर सब लोग समर्थन दे रहे हैं, ये मुझे मालूम है अध्यक्ष मोदी जी। सर राहुल गांधी जी तो अभी बाहर निकले हैं लेकिन सहमत देकर के गया है कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सर मैं इसी बीच कुछ इंडिविजुअल केसेस और कंसल्टेशन जो हम आज बिल लाया है, कुछ सदस्यों ने कहा है कि और कंसल्टेशन होना चाहिए था, आपको मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं जितना कंसल्टेशन प्रोसेस पिछले 10 सालों में किया गया है आज तो किसी सरकार ने इतना स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगा अभी, आप सिर्फ शांति से सुनिए। सर मैं फिर से कहता हूं, जो संविधान का हवाला दे करके बिल का जो पर्पस को मंशा को गलत धारणा दे करके मिसलीड करना चाहता है, मैं फिर से कहना चाहता हूं सर, अगर कोई भी बोर्ड हो या कोई भी इंडिविजुअल हो अगर कुछ काम ऐसा करता है जिसको कोर्ट में रिव्यू करना है तो इसमें सर गलत बात क्या है? अगर ट्राइब्यूनल का फैसला गलत है, अगर उसमें कोर्ट में अपील करने का प्रावधान देते हैं, उसमें गैर संवैधानिक कैसे हो गया ये बताइए आप। आप अगर तर्क रखते हैं तो आप उसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा सर। अगर सर ऐसे केसेस में अभी बताने वाला हूं कि कितने सालों तक वक्फ बोर्ड में बैठे वाले लोग आपस में तालमेल करके और ट्राइब्यूनल में मैटर दे देते हैं और ट्राइब्यूनल अपने तरीके से या पेंडिंग रख देते हैं या दूसरे तरीके से फैसला देते हैं, इसका चैलेंज आप किसी अदालत में नहीं कर सकते हैं। सर लोकतंत्र में भारत जैसा महान देश में क्या ऐसा व्यवस्था इतने सालों तक चलना चाहिए? सर वो गुमराह करे, वो ऐसा तरीका बनाया, ऐसा तरीका बनाया इन्होंने कि ट्राइब्यूनल सर
सर ये इस तरह से आप लोग बात करके मेरा आवाज नहीं दबा सकते हैं। सच्चाई सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि सर तरीका ऐसा बनाया कि ट्राइब्यूनल का जजमेंट का रिव्यू नहीं हो सकता है। कितने कोर्ट में पेंडिंग है मैं आपको बताऊंगा। सर दूसरा इन्होंने संविधान का हवाला दिया सर, इन्होंने संविधान का बार बार हवाला दिया। हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ, सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था सर। क्या ऐसे कानून हमारे देश में होना चाहिए? सर जो मैं यूएई के बारे में बताना चाहता हूं, जब हमारा देश का विभाजन हुआ, यहां से जितना मुसलमान पाकिस्तान गए उनका भी प्रॉपर्टी था, और पाकिस्तान से जितना हिंदू भारत में आए उनका भी प्रॉपर्टी काफी वहां थे। पाकिस्तान में जितना भी हिंदुओं का प्रॉपर्टी है वो तो सरकार ने ले लिया और बाकी जो भी करना था कर लिया। यहां से जो मुसलमान गए उसमें ज्यादातर लोगों ने अपना प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत डिक्लेयर करके गए। और सर ऐसा कई केसेस है, मैं अभी बहुत लंबा इसमें नहीं जाना चाहता हूं, ये फैक्चुअल चीज है सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है आपका जमीन है, आप किसी को क्या करना चाहते हैं मैं उसको नहीं कह रहा हूं। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी ने अपना विल, अपना डीड दिया है, अपना जो मनसा को साफ किया है, अगर उसका लाभ मुसलमान महिला या मुसलमान बच्चे को अगर लाभ नहीं मिलता है तो क्या सरकार चुपचाप बैठना चाहिए सर? ये हमारा दायित्व है, ये सदन का दायित्व है कि गरीब महिला कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, कोई भी हो, ये सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए अगर कोई कमी है तो पूरा करना चाहिए। और आज हम सर आज जो ये अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं उसमें सारा प्रावधान रखा गया है। उसमें एक मैटर मैं बोलना चाहता हूं, लॉ ऑफ लिमिटेशन में क्या कहते हैं सर, इसमें ऐसा प्रावधान था जिसको हम हटा रहे हैं आज के इस अमेंडमेंट के जरिए। लॉ ऑफ लिमिटेशन में ऐसा था पुराने कानून में कि इतने साल तक आप अगर कोई अपील नहीं किया या उस समय उसका कुछ बीच में कुछ घटना हो गया या पुराने बहुत साल हो गए, आप लॉ ऑफ लिमिटेशन तो होना चाहिए ना सर, कहीं सीमा तो होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि मान लो कोई खड़ा होकर कहेगा कि 500 साल पहले मेरा बाप दादा का इस जगह में कोई कार्यक्रम चलता था, नमाज पढ़ा था या किसी ने कुछ किया है, सिर्फ एक बात बताने पर पूरा वो जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। ऐसा नहीं कर सकते। लॉ ऑफ लिमिटेशन भी इसी संसद ने बनाया है और लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी ओवरराइड कर दिया था ये 1995 वक्फ एक्ट ने सर। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा कानून इस देश में कैसे हो सकता है कि बाकी जितना कानून को ऊपर में चढ़ जाता है और उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है, ऐसे हो नहीं सकता। हम कैसे एक्सेप्ट किया है इतने सालों तक? तो ये सर एक अच्छा समय है जो गलती किया है, ठीक है इंसान से गलती हो जाते हैं और पार्टियों ने भी गलती किया होगा, कांग्रेस पार्टी ने, बाकी पार्टी ने, आज सुधरने का समय है तो हम सुधर ला रहे हैं। गलतियां हुई है लेकिन जो सुधरते समय कम से कम आप विरोध ना करें सर। और सर सेक्शन 108 स्पेशल प्रोविजन अंडर वेकी प्रॉपर्टी एक्ट 1950 उसको सर हम लोग हटा रहे हैं, क्योंकि ऐसा सेक्शन हमारा देश का किसी कानून में, किसी भी स्टेट्यूट बुक में नहीं रहना चाहिए सर। उसके बाद सर उसके बाद मैं कुछ ऐसा इश्यूज पे जाना चाहता हूं जिससे हमारे सारे सदन को सुन करके
उनको कन्विंस होगा सर। सर आप सर इनको तो चुप करे, बीच बीच में इस तरह का कहना, सीनियर मेंबर है सर। अब हम सर बड़ा विषय पे जाना चाहता हूं सर। ये हमने जो कंसल्टेशन का प्रोसेस किया है, मैं पुराने दिनों के बारे में नहीं कह रहा हूं, 2014 के बाद कितने लोगों से, हजारों लाखों लोगों से, या तो आप मंत्रालय के ओर से जाके उनके साथ कंसल्टेशन किया, या वो रिप्रेजेंटेशन लेकर के मंत्रालय में आए और उनके बात को हमने सुना है सर। पिछले एक साल के अंदर में, पिछले सिर्फ एक साल के अंदर में ऑनलाइन कंप्लेन 194 कंप्लेंट्स रिलेटेड टू इंक्रोचमेंट एंड इलीगल ट्रांसफर ऑफ वर्क लैंड, एक साल के अंदर में, और 93 कंप्लेंट अगेंस्ट वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स एंड 279 एक जनरल कंप्लेंट, ये ऑनलाइन हमारे पास में पोर्टल में आया है। उसके बाद सर आज सर ये एक समुदाय का बात मुसलमानों को गुमराह करके यह बात रखा जा रहा है। कल देर रात तक मेरे पास में मुसलमानों का डेलीगेशन आते रहा, और हमसे पहले भी कितने लोग मिले हैं। और इसको आप ये सोचते हैं कि क्या सर ये क्या बोहराज कम्युनिटी का संख्या कम है, इसके लिए ये महत्व नहीं देंगे क्या सर? अहमदियाज ये कम संख्या है, इसलिए क्या उनका सोच, उनका प्रॉब्लम्स का नजरअंदाज करेंगे सर? सर आगा खानी संख्या कम है, क्या उसके बात को नहीं सुना जाना चाहिए सर? एक कम्युनिटी डोमिनेशन करके अगर छोटे छोटे लोगों को कुचल देंगे तो फिर हम इस सदन में बैठ करके हम न्याय कैसे दे सकते हैं? इसलिए ये एक तरफा आवाज उठा करके पूरा मुसलमान के नाम से ये लोग एक तरफा, ये कुछ चंद लोगों का आवाज यहाँ आज बुलंद कर रहे हैं इस सदन में सर। सर जो वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोगों कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक के चक्कर से नहीं बोल रहा है, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है। नाम तो हम बताइए नहीं सर। मैं आप लोगों का पॉलिटिकल इशियर में खराब नहीं कर दूंगा। कौन कौन सा एमपी ने मुझे आके बताया कि पार्टी विरोध कर रहा है लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं? मैं नाम नहीं लूंगा। मैं नाम लेकर के इन एमपी साथियों का पॉलिटिकल करियर को मैं बर्बाद नहीं करूंगा सर। सर कंसल्टेशन का जहां तक आता है सर, सबसे पहले बस हो गया सर। कंसल्टेशन हमने कई लेयर्स में कंसल्टेशन किया है सर, ऑफिशियल लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव से, और इंडिविजुअल लेवल में बहुत वाइड कंसल्टेशन देश भर में हम लोगों ने किया है सर। मुझे इस मंत्रालय में आए हुए अभी लगभग 2 महीने हुए हैं, लेकिन जो कंसल्टेशन प्रोसेस हमारे से पहले जो मंत्री थे इस मंत्रालय के, सब लोगों ने बहुत बारीकी से समस्याओं का भी पहचान किया और कंसल्टेशन प्रोसेस भी बहुत ब्रॉड बेस किया है सर। सर कुछ कंसल्टेशन के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं सर। सर 2015 के बाद एक्टिव कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, ऐसा मत सोचिए। ये 2024 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर के अचानक आया है, मत सोचिए। ये मैं आपको बताने वाला कितना एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कंसल्टेशन करके
आज ये बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं सर। इसमें सर अलग अलग समुदाय के जितना मैंने नाम लिया सर, अहमदिया से बोरास, पसमंदास, आगा खानीज, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव और जितने पिछड़े मुसलमानों के अंदर में, सबसे लेकर के 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सीईओस और उनके और भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव सबसे बात शुरू किया है सर। 2015 में पटना में कंसल्टेशन प्रोसेस किया, फिर उसके बाद में 16 अप्रैल में नई दिल्ली में, फिर 12 तारीख अक्टूबर 2015 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका कंसल्टेशन कम बैठक हुआ, उसके बाद 2015 में 11 नवंबर का दिल्ली में, फिर उसके बाद 7 जनवरी 2017 में फिर दिल्ली में, 8 मार्च 2018 दिल्ली में, इस तरीके से फिर 13 जुलाई 2023 में मुंबई में, उसके बाद 2024 जुलाई 23 में फिर लखनऊ में, उसके बाद फिर 7 नवंबर 2023 नई दिल्ली में सर। और ये जो प्रोसेस है लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है अखिलेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजधानी है सर। आप मुख्यमंत्री रहे हैं वहां सर। सर 2023 जो लेटेस्ट कंसल्टेशन जो हुए हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूं। इसमें सर जनरल पब्लिक जो आम मुसलमानों के साथ चर्चा हुए, क्योंकि हमारा मंत्रालय ने खुले मन से कहा कि इंडिविजुअल लेवल में भी आपका कोई इश्यू है आप आ सकते हैं, आप बात रख सकते हैं, मंत्री के साथ मुलाकात कर सकते हैं और अधिकारियों के साथ आप मिल सकते हैं। उस समय सर मुंबई में रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द जनरल पब्लिक के साथ साथ और भी ऑफिशियल से भी हमारी बैठक हुई, और उसमें स्टेट वक्फ बोर्ड को इम्प्रूव करने के लिए और कदम क्या क्या उठाना चाहिए उसका सुझाव वहां में आया। लखनऊ में जब बैठक हुई, लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के जो बाकी टॉप लेवल से भी सबसे बात हुई, चेयरमैन, सीईओ और आम लोगों से भी वहां सुनवाई हुई, और वो भी बहुत एक्सटेंसिवली वहां बात हुई। और वहां ये वामसी पोर्टल, आपका जो इंफॉर्मेशन वगैरह जितना हम शेयर करते हैं, ये सब के बारे में, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के बारे में कैसे उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कैसे मेंटेनेंस होना चाहिए, सारा चर्चा हुए, रिकमेंडेशन दिए कि ये अमेंडमेंट का जरूरत है, आपके लखनऊ से भी रिकमेंडेशन आया है। उसके बाद सर दिल्ली में मंत्री जी का अध्यक्षता में जो सेंट्रल वर्क काउंसिल का चेयरपर्सन होती है उनकी अध्यक्षता में यहाँ दिल्ली में बैठक हुए, विज्ञान भवन में बैठक हुए, और उसमें काफी इश्यूज है जो मैंने आपके सामने में रखा, सारे के सारे इश्यूज उसी दौरान हर स्टेट, मैं अधिकारी का नाम नहीं बताऊंगा मगर मैं स्टेट का नाम जरूर बताना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश से आए, आपके आप सुनने का क्षमता रखेंगे तो मैं तो, आप लोगों ने इतना सवाल किया मुझे तो लगता है कि कम से कम 3 घंटा मुझे बोलना चाहिए, इतना आप लोगों ने गलत धारणा यहां में फैलाया है। सर आंध्र प्रदेश, असम से, बिहार से, बिहार में सुन्नी वाला आए, दिल्ली का, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का शिया और उत्तर प्रदेश सुन्नी दोनों इस बैठक में पार्टिसिपेट किया, और पूरा डिटेल में ये जो आज हम अमेंडमेंट बिल लेके यहाँ आए हैं, ये सारे चीजें आपके हर एक स्टेट का जब आपका प्रतिनिधि आए, सभी ने ये कंसर्न रेज किया है और उसी को एड्रेस करके आज आपके सामने में मैं लेखा जोखा पेश कर रहा हूं सर। और सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो वक्फ बोर्ड के बारे में आप जो बचाने का इतना जो कोशिश कर रहे हैं, इनका खिलाफ
पूरा मुसलमान समाज के अंदर में वक्फ बोर्ड का जो मैनेजमेंट है और ट्राइब्यूनल के खिलाफ भी कितना आक्रोश है आपको अंदाजा नहीं है। इसमें सर इंडिविजुअल केसेस, मैं कुछ केसेस आपको सामने में जरूर बताना चाहूंगा ताकि वो दर्द आप भी महसूस करें। सर जो कुछ केसेस मैं आपके सामने में लाना चाहता हूं वो आप सबको जानना चाहिए एक इंसान होने के नाते। सबसे पहले तो अहमदियाज की ओर से कई रिप्रेजेंटेशन जो मेरे पास आए हैं हमारा मंत्रालय में जो है उसमें खास करके स्टेट वर्क बोर्ड कर्नाटका, केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु, यहां से जो रिप्रेजेंटेशन आया है वो हमारा सेंट्रल वर्क काउंसिल में भी केस है और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यहां में भी इस केस को दर्ज किया गया है और वो चल रहा है, इसलिए मैं उस पर डिटेल में अभी मैं कहना नहीं चाहता हूं। दूसरा सर एक इंडिविजुअल केस है बोरा समाज का। सर मुंबई में एक ट्रस्ट है, 1944 में उस समय हाईकोर्ट ने सेटल कर दिया गया सर, उसका स्टेटस साफ करके रखा हुआ है। और आप लोग सब जानते हैं दाऊद इब्राहिम का नाम, वो उसके आसपास वहां रहते थे और वो प्रॉपर्टी सेटल हो चुके हैं। और बाद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम शुरू किया और एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम का उसी जगह में लॉन्च किया गया है। और ऐसा समय में जो आदमी इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, गुजरात में किसी एक ने इस प्रॉपर्टी के खिलाफ में वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट कर दिया और फिर वक्फ बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया इस चीज को। अब आप सोचिए सर, जो आदमी ना वो शहर में रहता है, ना इतिहास में उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है, ना वो राज्य में रहता है, कहीं और का है और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंप्लेन करके वक्फ बोर्ड के माध्यम से इंटरफेयर करके डिस्टर्ब किया। आप सोच के देखिए, और वो कम्युनिटी के लोग जो हमसे मिलने आते हैं उसका दिल के अंदर में कितना दर्द होता होगा। मैं मिलने का समय में मुझे समझ में आ गया था कि ये इसका क्यों सॉल्यूशन नहीं हुआ। दूसरा सर ये मीडिया में भी सर सर मीडिया के अंदर में काफी चर्चा हुई है ये केस जो मैं आपको बताने वाला। तमिलनाडु के अंदर में तिरुचेंदुराई इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहां मौजूद थे और वहां बेचारे एक वहां के गांव में रहने वाले, उसको पता भी नहीं, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए तो आप बताया गया कि आपका गांव तो वक्त का जमीन है। आप सोचिए पूरा गांव को वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। आप सोचिए वो गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है और सारे के सारे गांव को वक्त का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। इस तरह का जो चीज होते हैं इसमें धर्म मत देखिए। इसको इस देश का नागरिक होने के नाते विशेष रूप से हम लोग सब सांसद है इस सदन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते, ये कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश हो, ये मत देखिए। ये कैसा इस तरह का घटना हो गया कि आपको ये चिंता नहीं होते आपको ये सब घटना सुन करके? ये चिंतित होना तो स्वाभाविक होना चाहिए सर। सर ये सुन नहीं पा रहे हैं और विषय को भटकाने के लिए तरह तरह का बातें यहां किया जा रहा है। सर सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सोचिए, ये सब कोई प्राइवेट लैंड तो है नहीं। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पूरा हेडक्वार्टर को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। आप सोचिए सर ये कैसे कर सकता है, आप सोच सकते हैं क्या?
देखिए, मैं बाय डेफिनेशन मैं एक बहुत हूं। मैं हिंदू भी नहीं हूं, मैं मुस्लिम भी नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूं, लेकिन मैं सब धर्म को मानता हूं। लेकिन इसको आप लोग बार बार धर्म को लेकर के मत देखिए। कोई भी इस देश का नागरिक, सरकारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, क्या किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है? हो सकता है म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी का जमीन आप कैसे वक्त डिक्लेयर कर सकते हैं? सर सिद्धाम राजा, आप बैठिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, फायदा नहीं है। मैं अभी यूल नहीं करूंगा सर। मैंने शांति से आप लोगों का बात सुना है सर। कर्नाटका स्टेट का तो कमाल है सर, आप सुनिए ध्यान से। कर्नाटका स्टेट का 2012 में कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट का सुनिए। जो रिपोर्ट मेरे सामने में आए है 2012 में कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकर्स ऑफ लैंड को कमर्शियल पर्पस में कन्वर्ट कर दिया। और इसको अगर आप हिसाब किताब करोगे तो आप समझ सकते हैं। लेकिन सबको मालूम है वक्फ प्रॉपर्टी को किस पर्पस में आप इस्तेमाल कर सकता है? ये रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए और पायस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन मनमानी कर रहे हैं। तो एक कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड का इतना मनमानी कर रहे थे तो कम से कम बाकी तो नहीं सही, कम से कर्नाटका से चिंता कांग्रेस एमपी तो कम से कम बोले ना इसमें। ये आंखों के सामने में इतना बड़ा घपला हो रहा है सर। एक इंडिविजुअल केस फिर मैं साइड करना चाहता हूं, डॉक्टर बारिये बुशरा फातिमा का केस सर। ये लखनऊ का है अखिलेश जी, ये चिंता नहीं, और ये शायद आप मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये आपको किसी ने बताया नहीं क्या? बेचारे वो महिला अपने बच्चे के साथ में किस मुश्किल हालात में जी रहे हैं, किस मुश्किल हालात में जी रहे हैं। लेकिन अगर हम वक्त बोर्ड का जो अभी सिस्टम है अगर अमेंडमेंट नहीं किया गया तो जो प्रॉपर्टी इनका पिताजी जो अगर गुजर जाएंगे तो ये सारा प्रॉपर्टी उसको और उसको बच्चे को नहीं मिलेंगे। तो क्या हम इंटरवेन नहीं करना चाहिए ऐसे समय में? उनको इंसाफ देने के लिए क्या हमको कदम नहीं उठाना चाहिए? तो इसलिए सर ये इसमें आप धर्म को मत जोड़िए, इंसाफ की नजर से देखिए सर। सर देखो, ये कांग्रेस वाले का यही प्रॉब्लम है, सवाल उठाया और जब मैं क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं फिर बताते हैं कि इसको कमिटी में चर्चा करेंगे। सर इल्जाम लगा करके भागने का कोशिश मत करो सर। सर हमारे पास में, मैं समझता हूं पार्लियामेंट्री कमेटी में, देखिए सर अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब के बाद हम क्या करना है आपके परमिशन से, हाउस का सेंस से लेकर के आगे हम बढ़ेंगे। मगर जो इन्होंने इतना मेंबर्स आपके परमिशन के बाद बोला झूठे बातें प्लस भ्रम फैलाया, असत्य बात के, असत्य है ठीक है, झूठ शब्द प्रयोग यहां नहीं हो सकता, सत्य नहीं है ऐसी बातें जो बताए इससे रिप्लेस कर लेंगे। सर तो सर वो बात अभी गृह मंत्री जी ने भी क्लैरिफाई किया है, असत्य और भ्रामक बोल दीजिए ना, असत्य आप बात किया वो आप भी मान लीजिए असत्य है सर। और भ्रामक जो प्रोविजन मेन कंटेंट, मैं कंटेंट का जो प्रमुख बिंदु है उसको आपको बता करके अपना बात को समाप्त करूंगा सर।
इस बिल में सर जो टाइटल है, ये टाइटल को हमने चेंज किया सर। टाइटल इसलिए है कि जब बिल पेश करता है तो उसका एक फ्यूचरिस्टिक विजन और इंटेंट सामने में आना चाहिए सर। अब ये बिल आज जो पेश किया जा रहा है उसका नाम होगा यूनाइटेड वक्त एक्ट, मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। शॉर्ट में उम्मीद, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बिल के प्रावधानों को समझते हुए आप पुरजोर समर्थन करेंगे सर। सर एक टाइटल एक टाइटल जो है हमने डेफिनेशन में जो चेंज कर रहे हैं, जो भी किसी भी प्रॉपर्टी को जो अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो डिक्लेयर करने का आपका अधिकार तो होना चाहिए। 2019 में जो चेंज किया वो बहुत डेंजरस था सर। 2013 में क्या किया, कोई भी आदमी वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। हमने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते, जो मुसलमान है वही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं और नॉन मुसलमान नहीं कर सकते। नहीं तो सर ये फ्यूचर में जब जवाब देते समय हम डिटेल बोलेगा कि इसका डेंजरस कॉनोटेशन क्या हो सकता है। अगर किसी को भी आप वक्फ टाइटल डिक्लेयर करने के लिए इजाजत देंगे तो फिर ये कैसे हो सकता है सर। इसलिए हमने पुराना सिस्टम, ये 2013 का हम पुराने सिस्टम में पुराना डेफिनेशन में वापस जा रहे हैं सर। सर अब सर इन्होंने कलेक्टर्स के बारे में काफी आपत्तिजनक उन्होंने याद दर्ज कराया। कलेक्टर जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, क्या कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करते हैं क्या? वो रेवेन्यू उसी के पास रहते हैं जी, रेवेन्यू का रिकॉर्ड कलेक्टर के पास ही रहते हैं सर। और ये बोलते हैं कि कलेक्टर के पास ये रेवेन्यू वाला काम कलेक्टर को नहीं देना चाहिए, तो कलेक्टर का काम क्या है बताइए फिर आप बताइए। कलेक्टर बनाया इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने के लिए। मुझे समझ में नहीं आया किस चीज को विरोध कर रहे हैं सर। ये रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं सर। इसलिए सर जब सर्वे कमिश्नर का कामकाज को लेकर के इतना जो रिकमेंडेशन मैंने बताया, वो ऑब्जेक्शन सिर्फ हमने नहीं किया, जितना कमिटियां आपने बनाए हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज ज्वाइंट कमिटी बनाया, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस आया है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन आया है, ये सब आपके समय के हैं। उसी समय में ही सचर कमिटी बनी है, उसी ने कहा है कि ये प्रॉब्लम सर्वे कमिश्नर में है, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड का साथ जोड़ के सारा प्रॉपर्टी का वैलिडेशन होना चाहिए और जिला कलेक्टर को इसमें लाना चाहिए। ये आप ही का रिपोर्ट है, हम तो सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहे हैं सर। इसलिए इतना उत्तेजित होकर के आप लोगों को यहां अपोज करने का कोई जरूरत नहीं सर। सर दूसरा सर, इस प्रावधान, इस बिल में हमने जो एक प्रावधान रखा है, ट्राइब्यूनल्स जो बने हैं, हम ट्राइब्यूनल को खत्म नहीं कर रहे हैं। पहले ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होते थे, अब हम प्रावधान रख रहे हैं कि इसमें एक ज्यूडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर होगा। और अगर वो समझ में नहीं आया, मैं अभी सर उसमें हमने ये कहा है कि जो टेक्निकल मेंबर है अगर वो एब्सेंट होता है तो एक ज्यूडिशियल। सर इनको मालूम नहीं है इस देश में जितना भी ट्राइब्यूनल बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं, और इतने जज ही बनाया जाता है, जितना ट्राइब्यूनल में उसमें टेक्निकल मेंबर जो होते हैं वो अधिकारी को बनाया जाता है, लेकिन जो जुडिशियल मेंबर होता है वो रिटायर्ड जज ही होते हैं। इतना तो समझना चाहिए, 5 बार एमपी हो चुके हैं सर हम लोग 7 साल आए हैं लोकसभा में, इतना तो जानना चाहिए। हम लोग एक समय चुन के आए, एक समय हम लोग एक साथ में आए थे, अभी तो इसको ये मालूम नहीं है सर। सर टोटल केस ट्राइब्यूनल्स के अंदर में 12,792 केसेस आज वक्त बोर्ड्स में पेंडिंग है,
19,207 ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग है। क्यों इसको हम लोग डिस्पोज नहीं कर सकते हैं? क्या आप चाहते कि ऐसे ही पड़े रहे? आप सोचिए सर। इसलिए सर, सर सर टाइमलाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्याय मिलना चाहिए लेकिन समय पे न्याय मिलना चाहिए। इसलिए सर इस नए बिल में प्रावधान किया, मैं सदन में आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। अब हमने टाइमलाइन सेट कर दिया है। फाइलिंग जो है, फाइलिंग जो भी होता है उसका अपील 90 डेज के अंदर में होना चाहिए और डिस्पोजल ऑफ द केसेस 6 महीने के अंदर होना चाहिए। अब ये बिल पास होने के बाद ये जो हजारों केसेस पेंडिंग है इसका पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, निवारण हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? जल्दी न्याय मिले तो ठीक है ना सर। दूसरा इंपॉर्टेंट, बस मैं अगर अगर ये सुनना नहीं था तो इतना सवाल क्यों पूछा? फिर इतना पूछा तो कम से कम सुनना चाहिए। आप सवाल पूछ के भाग जाना चाहते हो, ऐसा हम करने नहीं देंगे। आप भाग जाने से भी हम बोलते रहेंगे, अपना बात इस सदन में पूरा रखेंगे। आप सर आज ये टेक्नोलॉजी का जमाने है। वक्फ बोर्ड में टेक्नोलॉजिकल इंडक्शन ये अनिवार्य है। इसलिए सर हमने ये प्रावधान रखा है कि वक्फ बोर्ड में साइंटिफिक तरीके से बहुत ही एफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट तरीके से वक्फ बोर्ड चलाने के लिए पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग किया जाएगा और बिल्कुल ये हर समय ये निगरानी में रहेगा। हमारा मंत्रालय से ओवरसाइट कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहेगा वक्फ प्रॉपर्टी का सारा प्रावधान। ये प्रावधान किया गया है सर। एक पोर्टल सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, उसमें सारा अकाउंट्स का फॉर्मेट होगा और साथ साथ में जो मुतावाली से जिसका खिलाफ इतना कंप्लेंट करते हैं उसको अकाउंटेबल बनाया गया है कि गलत काम करेगा तो उसका खिलाफ कार्रवाई होगा सर। और सर मंत्रालय ने ये सारा पोर्टल को गति शक्ति इकोसिस्टम के साथ हम लोगों ने इंटीग्रेट करने का ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर चुके हैं सर। सर एक बहुत महत्वपूर्ण जो मैं कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, अब जो नया बोर्ड होगा सर, सेंट्रल वर्क काउंसिल और स्टेट वर्क बोर्ड होगा, इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य हो गया है। महिला इसमें रहेंगे और इसमें मुस्लिम महिला और जितना अलग डिनोमिनेशन है, बोरास, अगाकानीज और अदर बैकवर्ड क्लासेस अमंग्स मुस्लिम, इनको भी हमने बोर्ड में स्थान देने का निर्णय किया गया। अब हम लोग सर, हम लोग सब यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर धर्म के लोग हैं। अभी ये दादा बोल रहे थे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी मुसलमान है क्या? मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत मुसलमान वोटर है। सो गए, इसको बताइए। इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। सर हम लोग सर जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं सर, मैं कोई स्पीच हो तो फिर सो जाओ क्या सदन में? वो कल रात क्या कर रहे थे मैं नहीं पूछूंगा उसको। सर चेक कर लेंगे। ब्रोदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए जरूरी है। हो गया
उसको निकाल दीजिए सर, मैं इसको देख लूंगा, कार्रवाई से हटा दूंगा। और आप पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसको कार्रवाई से हटा दिया है, प्लीज प्लीज। मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। हम सब का कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बौद्ध हो सकते हैं, पारसी सिख सब हो सकते हैं। इसलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी एमपी को चुन के भेज दिया बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो बोर्ड में मेंबर होता है तो क्या हम उसको चेंज कर देना चाहिए उसके धर्म को? ये बेसिक बात है सर। इसलिए सर ये बिना मतलब का ये इशू उठा रहे सर। उसके बाद सर अब मैं सर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। वक्त बोर्ड को अच्छा से चलाने के लिए वहां टैलेंटेड लोग चाहिए, जानकारी लोग चाहिए। ऐसे किसी को आप उठा करके किसी वक्त में मेंबर नहीं बना सकते हैं सर। इसके लिए जो रिकमेंडेशन हमको मिला है, हर कमिटी और जो जेपीसी से भी रिकमेंडेशन मिला है, मैं उसी को बता रहा हूं। डाइवर्सिफाइड टैलेंट पूल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला, जो जिसका अच्छा नॉलेज है, ऐसे लोगों को हम लोग बोर्ड में लाना चाहिए। अच्छे ऑफिसर्स को वक्त बोर्ड को मैनेज करने के लिए उनको ऑफिसर के हिसाब से वहां नियुक्त होना चाहिए। ये सब बातें हमने रखा है, ये सारा आपका रिकमेंडेशन है। हम बार बार कॉल आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आपका रिकमेंडेशन है, इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है? और सर खास करके जो बच्चे और महिलाओं के लिए हमने काफी ध्यान रखा है, ताकि कल को ये एक्ट पास हो जाने के बाद कोई मुसलमान बच्चे या महिला किसी तरीके से उनको इंसाफ मिलने से वंचित रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ठोस प्रावधान हम लोगों ने यहाँ रखा गया है। और सारा जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो प्रोसीड्स है, जो भी उसका इनकम होगा, ये सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी का वेलफेयर के लिए ही खर्चा होगा। और हम चाहते हैं जब मुसलमान समुदाय को हम लाभ पहुंचाना चाहता है, तो हम खास करके गरीब मुसलमान महिलाओं के लिए, जो बैकवर्ड है, उनके लिए हम कह रहे हैं। आप लोग का हाथ छोड़ेंगे तो आप लोग तो कभी भी इनको कोई मदद देने वाला नहीं है इतने सालों तक। इसलिए हमको ये प्रावधान करना पड़ रहा है। अंत में सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया है, हमारे एक मंत्र इस सरकार का है, सबका साथ सबका विकास। और ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए इस बिल में मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये तो बहुत आपत्तिजनक वाला बात है। क्या कोई मंत्री बनने के लिए, इस देश का किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए, क्या पर्टिकुलर एक धर्म का जाति का होना चाहिए क्या? बार बार वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत बात उन्होंने कहा। मैं इसका आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं सर। इसलिए सर इस बिल को इस सदन में रखते समय मुझे बहुत ही खुशी तो मिल रही है, साथ साथ में एक भावना भी है मेरे मन में कि एक नॉन मुस्लिम, मैं खुद माइनॉरिटी हूँ, नॉन मुस्लिम हूँ,
लेकिन मुसलमानों का वेलफेयर के लिए ये बिल रखने का मौका मिला है, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से इतना एक भला काम करने का जो मौका मिला है, ये हर आदमी को ये मौका नहीं मिलता है। इसलिए मैं अपने आप को मैं बहुत ही भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि हर रोज हम लोग काम करते हैं, इस सदन में बैठ करके 12 बजे तक रात तक हम लोग डिबेट डिस्कशन करते हैं। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जो सदियों तक याद रखेगा कि ऐसा काम किसी सरकार को किसी मंत्री को बात रखने का मौका मिलता है। सर मेरे पास और भी पॉइंट बहुत है, लेकिन जैसे हमारे कांग्रेस के साथियों ने और कई लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया है, मैं मानता हूं कि जो प्रमुख रूप से जो मुद्दा जो ऑब्जेक्शन रेस किया गया उसका हमने रिप्लाई कर दिया गया है, और बिल में जितना भी प्रावधान जितना सेक्शन हमने या डिलीशन किया एडिशन किया या अमेंड किया, सारे के सारे प्रावधान को हम उचित समय पर और विस्तार से आपके सामने में रखूंगा। ये मेरा आखिरी भाषण नहीं है, इसलिए आप लोगों ने इतना आपत्ति आप लोगों ने दर्ज किया, लेकिन मैंने उसका सिर्फ 50% ही रिप्लाई किया है। अभी 50% और भी जवाब देना बाकी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का परमिशन से आज आप लोगों को भी इतना सवाल उठाने का मौका दिया, इतना और ज्ञान मुझे भी आपके जितना भी आशंकाएं हैं दूर करने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय जी, इसी शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस बिल को मैं इस सदन में इंट्रोडक्शन के रूप में पेश करूं। नहीं, माननीय सदस्य, जो सदस्यों की भावना है कि आप इस पर और डिटेल चर्चा करना चाहते हैं, इस विषय कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर जैसे कि हम लोग बहुत ही ओपन माइंडेड बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके सर ये जो इनका बर्ताव है इसको देख करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम तो नए नए एमपी बन के आए थे, हम पीछे बैठते थे पुराने सदन में, जब यूपीए का नया नया सरकार बना था हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट किया, और सदन में उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ जो सीनियर लीडर है, उन्होंने सदन में उठ के कहा आप लोग का काम अपोज करना है लेकिन सरकार सुने ना सुने सरकार का मर्जी है, उस समय आप लोग कहते थे। आज हम इतना खुले दिल से कह रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट किया, सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए, क्यों नहीं, हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मनसा साफ है, हमारा कदम साफ है, किस चीज से डरना है, किसी भी कमिटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है हम स्वागत करते हैं सर, इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमिटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए, और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें, और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमिटी को अधिकृत रूप से यहाँ से आप पास कर दीजिए, और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन का हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। इसी बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रश्न ये कि विधेयक को